गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मेंटेनेबिलिटी ऑफ सीबीआई प्रोब्स। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सूट में, जिसमें कि उन्होंने चैलेंज किया था कि सीबीआई जो है वो पोस्ट फूल वायलेंस केसेस में जो है वो वेस्ट बंगाल की जुरिसडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि उन्होंने प्रायर नॉड नहीं ली है स्टेट गवर्नमेंट की एज़ पर द लॉ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो है सूट डाला गया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो है एक केस है अगेंस्ट सीबीआई और सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑफ कोर्स पावर है डिस्प्यूट्स डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट्स के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी सिंगल स्टेट के बीच में, या फिर टू और मोर स्टेट्स के बीच में भी। सीबीआई तो आपको पता है कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आती है। डीएसपीई एक्ट के अंदर जो है 1946 में इसको बनाया गया था, बट याद रखो कि ये कोई स्टैचूटरी बॉडी नहीं है, बट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको बनाया गया है। तो लीगल बेसिस क्या है? सेक्शन 6 ऑफ डीपीएससी एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है सीबीआई को प्रोब करने के लिए कोई भी केस विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी स्टेट, ओनली आफ्टर कंसेंट रिसीव करके स्टेट गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उन्होंने कहा है, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई इन्वेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना कंसेंट ऑफ द स्टेट के भी। अब टाइप्स ऑफ कंसेंट कौन से होते हैं? पहला तो जनरल कंसेंट, जिसमें स्टेट एक जनरल कंसेंट देती है सीबीआई को प्रोब करने के लिए केसेस, जिसमें कि एजेंसीज जो हैं उनको कुछ फ्रेश परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती एवरी टाइम दे एंटर द स्टेट। नॉर्मली जो है ये स्टेट्स जो हैं उनको हेल्प हो जाता है कि सीबीआई जो है वो सीमलेस इन्वेस्टिगेशन कर सके करप्शन केसेस में। स्पेसिफिक कंसेंट में क्या होता है कि जब स्टेट्स जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर लेती हैं तो सीबीआई को केस बाय केस स्पेसिफिक कंसेंट लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और स्पेसिफिक कंसेंट अगर नहीं दिया जाता तो सीबीआई ऑफिशियल्स जो है वो पुलिस पावर्स उनके पास नहीं होती जब वो स्टेट में एंटर कर जाते हैं। तो 10 स्टेट्स अभी तक जो है वो जनरल कंसेंट सीबीआई का जो है वो हटा चुकी हैं। और जनरल कंसेंट का हटाने का इम्पैक्ट क्या होगा कि जनरल कंसेंट हटाने से सीबीआई के प्रोब्स सारे केसेस में तो नहीं बंद होंगे, जिन केसेस पर वो ऑलरेडी कर रही थी काम वो करती रहेंगी, और जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें भी वो करते रहेंगे। और लेकिन अगर जनरल कंसेंट नहीं है तो सीबीआई को हर बार लोकल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा सर्च वारंट और इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अक्यूज़ किया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा कि जबकि जनरल कंसेंट नहीं है फिर भी सीबीआई जो है वो प्रोब कर रही है यूनिलैटरली स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जनरल कंसेंट हटा चुकी है, और लगभग उसके बावजूद भी 15 केसेस जो है वेस्ट बंगाल में जाकर सीबीआई ने रजिस्टर किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें आप पार्टी बनाओ अगर तो वो सीबीआई को बनाओ, हम तो इसके पार्टी नहीं है इस केस के। सीबीआई जो है वो पुलिस फोर्स नहीं है यूनियन की, ये क्लियर कर दिया है सेंटर ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 5(1) जो डीएसपीई एक्ट का है जो गवर्न करता है प्रोब एजेंसी की जो है ज्यूरिसडिक्शंस को, उसमें ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे सकती है स्टेट्स के अंदर उन एरियाज़ के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन करने के लिए जो सेंटर को बिलोंग करते हैं, जैसे कि रेलवे के एरियाज़ होते हैं वो स्टेट के बीच में होते हैं लेकिन वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। तो वहाँ पर स्पेसिफिक ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अंदर इंडिया ने जापान को जो है वो सरपास कर दिया है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बना है 2023 में। तो ये जो रिव्यू है ये थिंक टैंक एम्बर जो है वो इसको पब्लिश करता है। डेटा जो है 80 नेशन से लिया गया एक रियलिस्टिक समरी देने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन हो सकता है ग्लोबल हीटिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए। तो अब की हाइलाइट्स देखें अगर इस रिपोर्ट की, तो सोलर जो है वो 5.5% रिकॉर्ड
प्रोड्यूस किया गया है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का 2023 में, और 19th कंसेक्यूटिव ईयर में सोलर जो है वो अपना स्टेटस मेंटेन करके बैठा है एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स वर्ल्ड वाइड, और इसने इवन कोल को भी आउटपेस कर दिया है न्यू इलेक्ट्रिसिटी एडिशंस में। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो लगभग 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और न्यूक्लियर के साथ अगर हम कंबाइन कर दें तो वर्ल्ड ने लगभग 40% अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लो कार्बन सोर्सेज से जनरेट की है 2023 में। रिपोर्ट का फॉरकास्ट ये भी कहता है कि फॉसिल फ्यूल जनरेशन जो है वो 2024 में ड्रॉप हो जाएगी, और 2023 जो है वो ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन का पीक ऑलरेडी ग्लोबली आ चुका है। चाइना 51% ऑफ एडिशनल ग्लोबल सोलर जनरेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और 60% ऑफ न्यू ग्लोबल विंड जनरेशन को 2023 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता था। ठीक है, अब इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन में देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ है सोलर जनरेशन की वो उसकी वजह से जापान को इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बनने में, उससे आगे सिर्फ चाइना और यूएस है। 2023 में इंडिया ने 5.8% अपनी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से जनरेट की। ग्लोबल सोलर जनरेशन 2023 जो है वो 6 times एक्सीड करी एज़ कम्पेयर टू 2015। इंडिया जो है वो अमंग सिलेक्ट फ्यू नेशंस है जिन्होंने ट्रिपल की रीन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030 का जो टारगेट है जो है वो इंडिया ने रखा हुआ है। अब गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है 500 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक का, जो कि मेन ड्राइवर है सोलर पावर को स्केल करने का। सोलर पावर जो है वो 18% ऑफ इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है 442 गीगावाट का, और लेकिन ये हमें पता लग रहा है कि जितना जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें से सिर्फ 66% जो है एक्चुअल पावर प्रोड्यूस होती है, मतलब गैप जो है पोटेंशियल और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो US और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इंडिया अपने शुगर केन फार्मर्स को सब्सिडी जो है वो बियॉन्ड लिमिट दे रहा है, जो कि WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो है वो ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो जो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है WTO की, जो कि यूरोगवे राउंड के अंदर जो है वो नेगोशिएट हुई थी, और इसके अंदर 3 के बॉक्सेस हैं सब्सिडीज़ में क्लासिफाई करने के लिए। पहला है एम्बर बॉक्स, जिसमें कि डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं है। ब्लू जो है वो प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कि फिर भी ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है ग्लोबल ट्रेड। ग्रीन जो है उसमें मिनिमल डिस्टॉर्शन होती है इसलिए वो अलाउड होती हैं सब्सिडीज़। जो पेमेंट्स होती हैं एम्बर बॉक्स में उनको कम करना पड़ता है, जो ग्रीन बॉक्स है उनमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सभी को कंप्लाई करना होता है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है कि कोई भी कि जो आप सब्सिडीज़ दे रहे हो उससे डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड या प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पर नहीं होनी चाहिए। और एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम के थ्रू जो है जो ये सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसमें कंज्यूमर्स या प्राइस सपोर्ट जो प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलना चाहिए डायरेक्ट। तो अगर हम देखें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है उसमें डोमेस्टिक सपोर्ट पर कहा गया है कि 2 categories हैं, एक तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, दूसरा नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। सिस्टम करंटली यूरोप को अलाउ करता है, US को अलाउ करता है कि $380 billion पर ईयर वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ पर जो है वो खर्च कर सके, और जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में वो बिलो कॉस्ट कमोडिटीज़ को फ्लड कर रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं। अगर हम मार्केट एक्सेस की बात देखें तो रिडक्शन ऑफ टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड बाय WTO मेंबर्स मार्केट एक्सेस का मीनिंग है बेसिकली, जिसमें कि कहा गया है कि 36% एवरेज रिडक्शन करनी है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और 24% एवरेज रिडक्शन करनी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। मिनिमम मतलब 10% तो पर टैरिफ लाइन होनी चाहिए, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है एग्जेम्प्ट हैं टैरिफ रिडक्शन से। ठीक है, मतलब जो अपने इम्पोर्ट करने के लिए वो टैरिफ्स लगा रही हैं उसमें जो है वो रिडक्शन करनी है उन्हें। ठीक है, और ताकि ट्रेड बैरियर जो है वो क्रिएट ना किए जा सके WTO बाकी मेंबर्स के लिए। अब एक्सपोर्ट के ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ लगभग 36% कम करनी है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को 24% तक कम करनी है। ऑफकोर्स सेम ही वही वैल्यूज़ हैं, ताकि डंपिंग वो ना करें। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डंपिंग ना करें बाकी कंट्रीज़ में।
यूएस ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की जो शुगर सब्सिडीज़ हैं वो 90% की वैल्यू को जो है वो क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी, जबकि परमिसिबल लेवल तो सिर्फ 10% है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेजर यूज़ किया गया है AMS का, वो जो कि मेथडोलॉजी है रिकमेंडेड बाय WTO पैनल, वो जिसमें कि AMS जो है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। AMS में प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज़ हैं, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज़ हैं। जैसे जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी है उसमें टोटल लेवल ऑफ सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाता है ईच इंडिविजुअल कमोडिटी को, वो उसको हम काउंट करते हैं। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी जो है वो मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो प्रॉपरली पूरा सब्सिडी दे रहे हो, वो दोनों मेथड्स का यूज़ करते इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन की गई है। लेकिन इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने कहा है कि फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस देते हैं हम तो शुगर क्रेन को, जिसमें कि एक मिनिमम फ्लोर प्राइस हमने डिसाइड किया है कि शुगर मिल्स को कम से कम इतना तो देना ही है शुगर क्रेन फार्मर को। इंडिया ने आर्ग्यू किया है कि जो FRP और जो हमारे स्टेट एडवाइज प्राइजेज हैं मार्केट, जो कि मार्केट प्राइस सपोर्ट के अंदर आते हैं अंडर AOA, उसको कंसिडर नहीं किया गया है US और ऑस्ट्रेलिया द्वारा। US और ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट है वो WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पे जाएगी, लेकिन वो तो जो है वो नॉन फंक्शनल पड़ी है। जो WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो इसका अपेलेट बॉडी है, वहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो है वो फंक्शनिंग रुकी पड़ी है, वहाँ पर जो है डिसएग्रीमेंट की वजह से जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो मैकेनिज्म WTO का नहीं ऑपरेट कर पा रहा है, ठीक है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो US ही है, US जो है वो उसमें वीटो कर रहा है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन ओशन डायपोल, ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 ऑस्ट्रेलियन वेदर एजेंसीज ने कहा है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है, या जिसको हम इंडियन नीनो भी कहते हैं इंडियन ओशन में, वो री एमर्ज होने वाला है सेकेंड कंजेकेटिव ईयर में, लेटर हाफ ऑफ द ईयर ऑफ 2024। इसको इंडियन नीनो भी कहते हैं। तो बेसिकली इंडियन ओशन का जो इंडोनेशिया और मलेशिया का जो रीजन है जिसको ईस्ट साइड कहते हैं, और अफ्रीकन कोस्ट लाइन जो जिसको हम सोमालिया का जो रीजन है उसको हम वेस्ट साइड कहते हैं, इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है उसको हम इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। पॉजिटिव IOD कब होता है, जब जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर कूल टेम्परेचर्स रहते हैं, और जो वार्मर जो आपका वेस्ट साइड्स हैं, जो मतलब अफ्रीकन वाली साइड है, वहाँ पर वार्म सरफेस टेम्परेचर रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पुश मिलता है जो आपके मॉनसून को, उसकी वजह से अच्छी बारिश होती है हमारे एरिया में। और पॉजिटिव IOD जो है वो अफ्रीकन कोस्ट लाइन के भी जो है रीजन में रेनफॉल देने के लिए हेल्प करती है। पहली बार एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम इंडियन ओशन डायपोल को 1999 में रिकग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीकन यूनियन, ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीकन यूनियन ने रिसेंटली कंडेम किया है कि इसराइल के जो मिलिट्री है वो गाज़ा में राफा में मूव हो गई है। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है, कॉन्टिनेंटल बॉडी जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं। ऑफिशियली इसको 2002 में लॉन्च किया गया था, इसने रिप्लेस किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को जो कि 1963 में बनाई गई थी। तो इसमें कि यूनिटी कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है, और एजेंडा 2063 जो है डेवलप किया गया है एज अ स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क अफ्रीका की लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक एंड इंटीग्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एजेंडा 2063 जो है वो ग्रेटर कोलैबोरेशन करने की बात करता है, सपोर्ट की बात करता है अफ्रीकन लेड इनिशिएटिव्स के लिए। अदिस अबाबा इथोपिया, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। असेंबली जो है इसकी हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो उसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं अफ्रीकन यूनियन के, और इवन अफ्रीकन सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन के लिए भी या सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन के लिए भी पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट भी बनाई गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट, ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि एडवांस्ड वेपन्स डिप्लॉय कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे, उसी वजह से जापान भी जो है वो ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट जॉइंट डेवलप कर रहा है US के साथ मिलकर। तो जो ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट है ये एक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम है जिसमें कि US और जापान मिलकर काम करेंगे। बाय एंड ऑफ 2032 तक जापान और US जो है वो चाहते हैं कि फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हो जाए इस सिस्टम की। तो ग्लाइड फेज़ क्या होता है,
ट्रेडिशनली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि वॉरहेड जो है वो अपने बूस्टर से सेपरेट हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से जो है वो अपने टारगेट पर आकर गिरता है स्पीड से। लेकिन हाइपरसोनिक वेपन में क्या होता है कि बूस्टर से जैसे ही सेपरेट होता है वो जो वेपन अपने, और उसके बाद वो अर्थ के साथ जो है एक्सेलरेट होकर ग्रेविटी के साथ जो है वो एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री के साथ जो है वो मूव होता है, ठीक है। और फिर वहाँ पर आकर वो एक मैनूवर भी होता है जिससे कि वजह जब वो जो एक फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री लेने की जो है कोशिश करता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइड फेस, तब वो मतलब फुल स्पीड से निकल के जो हाइपरसोनिक स्पीड्स में जो है वो अटेन करता है और फिर टारगेट को हिट करता है। तो हाइपरसोनिक या ग्लाइड व्हीकल्स जो होते हैं वो 5 times स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उस पर ट्रैवल करते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स या मिसाइल्स जो हैं बेसिकली एक यूनिक चैलेंज पोज करते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली लो ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई कर पाते हैं ग्लाइड फेज में, अनलाइक ICBM जो कि हमेशा एक्सो एटमोसफेरिक या एंडो एटमोसफेरिक रेंज पर ही रहते हैं। और ये मिसाइल डिफेंस सेंसर्स के अराउंड भी जो है नेविगेट कर पाते हैं क्योंकि इनकी इतनी स्पीड होती है तो मिसाइल डिफेंस जो है सेंसर्स इनको सेंस नहीं कर पाते हैं। तो जो ग्लाइड फेज होता है वही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके और उसको टारगेट किया जा सके उस लेवल की हाई स्पीड पर, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is maintainability of CBI probes. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has reserved its verdict on West Bengal government suit alleging that CBI is pressing ahead with investigation into post-poll violence cases in the state without securing its prior nod as per the law. So West Bengal's original suit has been filed under Article 131 of the Constitution, which gives Supreme Court the power to exclusively decide disputes between different units of the Indian Federation, like between the government of India and one or more states, between government of India and any state on one side, on one or more states on the other, between two or more states if the dispute involves a question of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends. So what is CBI? It is the premier investigative agency of India, operating under the jurisdiction of Ministry of Personnel. It traces its origin from the Delhi Special Police Establishment Act of 1946, and the DPSC Act is not passed by Parliament of India. CBI has been created by an executive order of the government, that's why it is not a statutory body. So the Section 6 of DPSC Act says that central government can direct CBI to probe a case within the jurisdiction of any state, but only after the consent of the concerned state government. Of course, after Supreme Court or High Court orders also, CBI can investigate the cases of crime anywhere in the country without the consent of the state. So what type of consent are there? General consent. When a state gives general consent, the agency is not required to seek fresh permission every time it enters the state in connection with investigation for every case. It is normally given by states to help the CBI in the seamless investigation of corruption cases. Then there is specific consent. When the general consent is withdrawn, CBI needs to seek case-wise specific consent for investigation into the concerned state government, and CBI officials will not have the police power personnel during that time when they enter the state. Okay, so far 10 states have withdrawn the general consent to CBI to probe cases in their state. So withdrawal of general consent does not stop CBI in all cases. CBI continues to probe in old cases and it continues to investigate cases which were given to it by a court order. And because CBI does not have a general consent, that's why it has to approach a local court for a search warrant and conduct investigation for the same. Okay, so West Bengal government had accused the Union government of interfering in cases originating within the state's jurisdiction by unilaterally authorizing the CBI to probe them. Center continues to employ the CBI regardless of the fact that the state had withdrawn its general consent to CBI investigations within its territory. CBI has registered over 15 cases in West Bengal. The petitioners
द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सेट दैट द पटिशनर्स हैव आर रॉन्ग बिकॉज दे आर टर्मिंग द सीबीआई एज द पुलिस फोर्स ऑफ द यूनियन. द सेंटर हैड नो रोल इन वेयर एंड हाउ द सीबीआई कंडक्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन. इट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट सूट कुड नॉट बी अमेंडेड टू मेक सीबीआई अ डिफेंडेंट एज इट वॉज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 131. ओके, क्वेश्चनिंग द क्लेम ऑफ द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड सेक्शन 5 subsection 1 of DSPE Act, which governs the CBI, and this statute or this particular provision in the statute allows the central government the jurisdiction over areas in states, including railway areas, to investigate specific offenses. So the next topic is Global Electricity Review 2024. This topic is important for your environment section. So, Global Electricity Review 2024 has said that India has surpassed Japan to claim the title of the world's third largest solar power generator in 2023 because it has climbed from 19th, as it has climbed from 9th rank in 2015. India has generated 113 billion units of solar power in 2023 as compared to Japan's 110 billion units. So Global Electricity Review was published by a global energy think tank called AMBER, and it has analyzed data from 80 nations to provide a realistic summary of how on track the electricity transition is for limiting the global heating to 1.5 degrees Celsius. So what are the key highlights of this report? Solar energy produced is at a record 5.5% of global electricity in 2023. For the 19th consecutive year, solar has maintained its status as the fastest growing electricity source worldwide. It has outpaced coal and new electricity additions by more than twofold in 2023. Renewable sources of energy made up 30% of global electricity. Combined with nuclear, the world has generated almost 40% of its electricity from low carbon sources in 2023. The report has forecasted fossil fuel generation to drop in 2024, and it suggests that 2023 might be the year when the fossil fuel production may have peaked globally. China has accounted for 51% of the additional global solar generation and 60% of the new global wind generation in 2023. India's growth in solar generation in 2023 has pushed the country past Japan to become the world's third largest solar power generator. China and US are the two major producers ahead of India in 2023. In 2023, India generated 5.8% of its electricity from solar energy, and global solar generation in 2023 has exceeded 6 times as that of 2015. India is among the select few countries who have committed to tripling renewable capacity by 2030. India has an ambitious target of 500 gigawatt of installed capacity from non-fossil fuels by 2030, which is in fact the main driver to scale solar power in India. And as per, there is a concern, as per Niti Aayog report of May 2024, solar power, while making up 18% of India's total installed electricity, it only makes up 66% of the power that is actually produced out of it. Okay, so of course there is a gap between potential and actuals. So the next topic is WTO's agreement on agriculture. This topic is important for your economy section. US and Australia have contended that India has provided sugarcane subsidy beyond the limits set out in WTO's agreement on agriculture, and that's why it has been distorting global trade. So what is this agreement on agriculture? It is an international treaty of WTO which classifies the subsidies by boxes. The amber box is the are all those subsidies which are directly linked to production levels. Then there are blue boxes, which product limiting programs that still distort trade. Then there are green boxes, which have minimal distortion. While payments in the amber box had to be reduced, those in the green boxes were exempt from reduction commitments. However, all must comply with the fundamental requirement to cause not more than minimal distortion of trade or production, and must be provided through a government-funded program that does not involve transfers from consumers or price support to producers.
द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डिवाइड्स डोमेस्टिक सपोर्ट इन टू टू कैटेगरीज, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग और नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग. सिस्टम करंटली अलाउज US एंड यूरोप टू स्पेंड $380 billion ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज विच एंड अप फ्लडिंग ग्लोबल मार्केट्स विद बिलो कॉस्ट कमोडिटीज एंड इट इज अकिन टू डंपिंग. सो मार्केट एक्सेस रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड बाई WTO मेंबर्स अंडर द एग्रीमेंट. द डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू मेक एवरेज 36% रिडक्शन, डेवलपिंग कंट्रीज 24% एवरेज रिडक्शन परसेंट एवरेज रिडक्शन एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैरिफ रिडक्शंस. सो इट रिक्वायर्स डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडीज बाई एटलीस्ट 36%. डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू कट अबाउट 24% बाई वैल्यू एंड 14% बाई वॉल्यूम ओवर 10 years. सो US Australia report has said that India's sugar subsidies have crossed 90% of the total value of production against the permissible level of 10%. But for calculating the subsidy, aggregate measurement of support levels, that is the ASM levels, have been referred as the methodology recommended by a WTO panel. Okay, so AMS is a trade distorting amber box subsidy, which consists of two parts: product specific, basically when you are giving subsidy related to any agricultural product, and non-product specific subsidy means that you are giving a blanket or umbrella subsidy for the agriculture sector as a whole. But India has said that we have this fair and remunerative price for sugarcane, which is an administered price that affects as a floor price for sugar mills to pay farmers for sugarcane. Some states also have their own state advised prices to make additional payments by sugar mills, and in the appeal to the WTO panel report of 2021, India had argued that panel had erred, they have made an error in finding that countries FRP and SAP, they constituted market price support under the AOA. Okay, US Australia report will not be able to make any change because the WTO dispute settlement body has been made dysfunctional by the efforts of the US itself in the past, and that's why it continues to remain dysfunctional until it starts working again. Okay, so the next topic is Indian Ocean Dipole. This topic is important for your environment section. So recently two Australian weather agencies have said that positive Indian Ocean or Indian Nino in the Indian Ocean may re-emerge for the second consecutive year in the latter half of 2024. So Indian Nino or Indian Ocean Dipole is basically the temperature differential between the smaller area of Indian Ocean between Indonesia and Malaysian coastline on the east and African coastline near Somalia in the west. A positive Indian Ocean Dipole basically is associated with cooler than normal sea surface temperatures in the eastern side of the Indian Ocean and warmer than normal sea surface temperatures in the western tropical Indian Ocean. The opposite happens when the warmer temperatures are there in eastern side and the cooler temperatures are there in the western side, that is in the African side. A positive IOD helps rainfall along the African coastline and it also helps to boost the Indian monsoon also. So this Indian Ocean Dipole was first identified as an independent system only in 1999. Okay, so the next topic is African Union. This topic is important for your international relations. So African Union has recently condemned the Israeli military's moves into southern Gaza's Rafah. So African Union is a continental body consisting of 55 member states that make up the countries of the African continent. It was officially launched in 2002 and replaced its predecessor, the Organization of African Unity, which was founded in 1963. The primary objective is to promote unity, cooperation and development among African nations. So Agenda 2063 was developed as a strategic framework for Africa's long-term socio-economic and integrative transformation. It calls for greater collaboration and support for African-led initiatives. Its headquarters is located in Addis Ababa, Ethiopia. It is the highest decision-making, the Assembly of the African Union is the highest decision-making body, which consists of heads of state and government of member countries. Then there is the Executive Council consisting of foreign affairs ministers. The EU structure also has participation of African citizens and civil society through the Pan-African Parliament.
So the next topic is glide phase interceptor project. This topic is important for your security section. So as the other countries or the rival countries are deploying advanced weapons like hypersonic missiles, Japan is investing in glide phase interceptor project and with the joint development with the US. And glide phase interceptor project consists of a missile intercepting system by US and Japan, through which both countries by the end of 2032 will achieve full operational capability of the system. What is glide phase? Unlike we have seen in traditional intercontinental ballistic missile, the warhead separates from its booster and it continues a parabolic gravity driven trajectory to its target. But in a hypersonic weapon, what happens is that once it separates from the booster after the peak of its trajectory and accelerates towards the earth using gravity. So basically under ICBM, the warhead separates from the booster and uses gravity as its to attain its speed. But in hypersonic weapon, once it separates from the booster, it has already achieved the peak of its trajectory through in hypersonic speeds and moves towards the earth using gravity. Okay, so unlike typical ballistic missiles, the hypersonic and glide vehicles travel at 5 times the speed of sound at an unpredictable trajectory. So what is this project all about then? So hypersonic weapons pose a unique challenge to their blinding speeds and relatively low altitudes during the glide phase. They can navigate around areas containing known missile defense sensors. These characteristics make it particularly challenging for ground-based radar systems to track them efficiently. The glide phase of the missile's trajectory provides the best opportunity to intercept it before it enters its last high-speed drop. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.